रियो ओलंपिक में जहां एक तरफ हर खिलाड़ी मेडल जीतने की होड़ में लगा है, तो वहीं मेडल हासिल करने के लिए जीत के जुनून के बीच आए अनूठे मैरिज प्रपोजल की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक में खेल के रोमांच के साथ प्यार का रोमांस भी भरपूर देखने को मिल रहा है। खेल के इस महासंग्राम में हर दिन एक नया इतिहास रचा जा रहा है और रियो ओलंपिक के इतिहास में इस बार प्यार का नाम भी दर्ज हो गया है। मामला रविवार को देखने को मिला जब चीन की खिलाड़ी को सिल्वर मेडल के साथ साथ डायमंड रिंग भी मिली। रविवार को महिलाओं की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड स्पर्धा के पदक समारोह के दौरान चीन की हेजी को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। हेजी अपने इस मोमेंट को जी ही रही थी कि अचानक उनके साथी खिलाड़ी और बॉयफ्रेंड किम काई पोडियम पर एक लाल जिब्बे के साथ पहुंचे और घुटनों पर बैठ गए। जब तक हेजी कुछ समझ पाती, किनकाई ने डिब्बे से हीरे की अंगूठी निकाली और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। कुछ पल बीतने के बाद नम आंखों से हेजी ने किन को उठाकर कस कर गले लगा लिया और मैरिज प्रपोजल पर हामी भर दी। चीन की डाइवर ही का कहना है कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि किन आज उन्हें प्रपोज कर देंगे। ही ने कहा कि किन एक ऐसे शख्स हैं जिस पर वो जिंदगी भर भरोसा कर सकती हैं। ये कपल पिछले 6 सालों से डेट कर रहा है। जिसके सिल्वर मेडल जीतने से पहले ही के फियांसे किन ने भी पिछले हफ्ते ही मेन सिंक्रोनाइज्ड डाइव इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रियो ओलंपिक में ये पहला नहीं बल्कि दूसरा प्रपोजल है। इससे पहले ब्राजील की महिला रग्बी प्लेयर इसाडोरा सेरुलो को उनकी गर्लफ्रेंड ने मेडल सेरेमनी के दौरान प्रपोज किया था। जिसे इसाडोरा ने स्वीकार कर लिया था। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।